दोस्तों बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार हैं जो अपने बच्चों को लाइमलाइट में लाना पसंद करते हैं, वहीं कुछ ऐसे स्टार भी हैं जो अपने बच्चे को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। लेकिन मीडिया वाले कहीं ना कहीं इन स्टार किड को कैप्चर कर ही लेते हैं, उनके बारे में पता लगा ही लेते हैं कि आखिर इनका इंटरेस्ट किस चीज में है। वैसे दोस्तों इन दोनों स्टार किड्स का ही दौर चल रहा है। हालांकि कुछ स्टार किड्स सुर्खियों में कम बने रहते हैं, फिर भी वो पूरी तरह से मीडिया के कैमरे में कैद होने से बच नहीं सकते। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार किड्स से रूबरू करवाएंगे जो बॉलीवुड में गलती से भी नहीं आना चाहते। तो चलिए जानते हैं कौन है। नंबर 5, जूही चावला। दोस्तों 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और चुलबुलेपन से सभी को दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री जूही चावला भी लोगों की पहली पसंद है। बॉलीवुड में उनके शानदार अभिनय की वजह से अब तक उन्हें काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम जानवी मेहता है जो कि 19 साल की है। जानवी दिखने में बड़ी खूबसूरत है और सादगी से रहना पसंद करती है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों जानवी लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती है, उन्हें सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही देखा जाता है। उनका मानना है कि बॉलीवुड दुनिया से दूर रहना उनके लिए ज्यादा बेटर है, बॉलीवुड में उनकी जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। नंबर 4, रवीना टंडन। दोस्तों बॉलीवुड में मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर रवीना टंडन ने अपने अभिनय करियर में कई अभिनेताओं के साथ सुपरहिट फिल्में की, जिसकी वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, रवीना टंडन की एक बेटी है जिसका नाम रसा थदानी है, जो दिखने में रवीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश है। अभी 15 साल की है। रसा काफी कम मीडिया और लाइमलाइट में आना पसंद करती है। आपको बता दें, उन्होंने पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार में देखा गया था, उसके बाद उन्हें कभी ना कभी अपनी माँ के साथ देखा जाता है, वो भी बॉलीवुड में आना नहीं चाहती। नंबर 3, आमिर खान। दोस्तों बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का नाम आज बॉलीवुड की टॉप लिस्ट में आता है। आमिर एक साल में एक ही फिल्म करते हैं जो कि 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है। अगर बात करें आमिर खान की बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम इरा है जो 23 साल की हो चुकी है। आपको बता दें, ये आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता की बेटी है। इरा खान आए दिन किसी न किसी कारण खबरों में बनी रहती है। हाल ही में उन्होंने फोटो शूट करवाया जिसमें काफी हॉट लग रही हैं। इरा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अभी इनका बॉलीवुड में आने का कोई इरादा नहीं है। नंबर 2, अजय देवगन और काजोल। दोस्तों बॉलीवुड के सिंगम यानी अजय देवगन खूबसूरत एक्ट्रेस काजोल की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं और इन्हें साथ देखने के लिए उतावले रहते हैं। शायद यही वजह है कि काफी समय बाद इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर सिनेमाघरों में आई है फिल्म तानाजी में। वहीं अगर बात करें इन दोनों की बेटी के बारे में, तो इनकी बेटी का नाम न्यासा देवगन है जो काफी बड़ी हो गई है और अपनी माँ काजोल की तरह खूबसूरत दिखती है। दोस्तों न्यासा 15 साल की हो चुकी है। इनकी खूबसूरती बॉलीवुड एक्ट्रेस को मात देती है, लेकिन ये अभी सिंगापुर में पढ़ाई कर रही है और भारत में उनका आना जाना कम ही होता है। नंबर 1, मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड में दादा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती को आप लोग अच्छे से जानते हैं। इन्होंने 350 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। ये वो अभिनेता है जिन्होंने एक साल में 18 सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड में रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन वहीं अगर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की बात करें, तो वो अभी मॉडलिंग की दुनिया में काफी व्यस्त है, अपना करियर मॉडलिंग की दुनिया में ही ले जाना चाहती है। दिशानी चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा कि मेरा मन बॉलीवुड में आने का नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं बॉलीवुड में जरूर आऊंगी। तो दोस्तों आपको कौन सा स्टार किड ज्यादा अच्छा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में तो बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर डालो।